कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? या अगर आप भारत में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और मतलब है कम से कम 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गद्दाफी स्टेडियम से बेहतर है आम यहाँ पे सेंटर्स का, इसलिए कि पैसा डाला गया है सिस्टम में। एंड मेरी नजर में अगर आप पूछें वर्ल्ड चैंपियंस, देयर इज नो क्वेश्चन, इंडिया इज द वर्ल्ड चैंपियन। कोविड का टाइम था, शुभमन गिल और चार लड़के पंजाब के युवराज सिंह के घर रहे 4 महीने, और 4 महीने घर रह के युवराज सिंह ने ट्रेन किया। ही डिड नॉट हैड अ पोस्ट, उसके पास कोई, उसको वो डर था कि मुझे पंजाब से कोई लड़का आता हुआ नहीं दिख रहा टीम के अंदर, सो मैं पंजाब के लिए काम करूंगा। एक एक क्रिकेटर ने क्या कभी बेड़ा उठाया? क्या कभी शुएब अख्तर ने सोचा कि मैं अपने बलबूते पे एक कैंप लगाऊंगा फास्ट बॉलर का, मैं निकाल के दूंगा अपने जैसा फास्ट बॉलर? आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ शर्म है? वो जो नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। इंडिया बता रहा है कि किस वजह से वो नंबर वन टीम है अभी। कमाल प्लेयर है भाई ये केएल राहुल। आज की वीडियो में हम देखेंगे रमीज राजा जो वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने के लिए पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं, भारतीय क्रिकेट को देखकर उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को बताया है कि भारतीय क्रिकेट पाकिस्तान से कितने साल आगे है। तो क्या कहना है रमीज राजा का भारतीय क्रिकेट के बारे में, आइए वीडियो में देखते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना वो आपको दिखती है जब भारत खेल रहा होता है। ये कभी नहीं हमने सोचा कि आज क्या होगा, कुछ यू नो एक दो प्लेयर्स अगर नहीं चलेंगे तो शायद प्रेशर में आ जाए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। थ्रू आउट वर्ल्ड कप कैंपेन में लग रहा है कि ये इतने जीतने के हिसाब से प्रेडिक्टेबल है, जो कि बहुत कम टीम्स इस तरह के फेज में होती है, इस तरह के जोन में होती है। 2 और मैच और 11 अगर ये मुतवातिर मुकाबले जीत लेते हैं तो मोस्ट एवर by any country होगा at par with Australia, शायद। Yes. So आप सोच लेंगे टीम बेइंतहा बड़ी है और फोकस नहीं ड्रॉप किया है। अच्छा, इसमें एक जो कंट्रोवर्सी हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं रमीज सर, के इंडिया की जितनी भी इस वर्ल्ड कप में जीत हुई है 9 के 9 मैचेस जीते हैं। अब पाकिस्तान से जाहिर सी बात है, खास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो बॉल्स हैं, जो खास तौर पर इंडियन बॉलर्स को दी जा रही हैं, वो डिफरेंट हैं, और इस पर इंडिया से जवाब भी काफी सख्त आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, इस तरह की तनकीद पे ना दे। हाँ, ये हो सकता है कि जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का बॉल गोल्फ के बॉल में छोटा नजर आता है, इसलिए आउट होते हैं। यही फर्क है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल में फर्क है। ये जादूगरी है, लिटरली जादूगरी है, कंट्रोल, स्विंग, सीम मूवमेंट, और लगता है कि यू नो डॉक्टर्ड है ये जो क्रिकेट के बॉल्स हैं, या जो मर्जी कर ले, ये महारत है, ये स्किल है, और ये स्किल को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें, इस तरह के जब प्लेयर्स आते हैं सर्किट में तो क्रिकेट का एक लेवल और ऊपर चला जाता है। सो अब ये लेवल सेट कर रहे हैं, बाकी टीम्स को यहाँ तक पहुँचना है। सो एक सब कॉन्टिनेंट की टीम कर रही है, तो नेक्स्ट पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता। अब देखिए, हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर वन प्लेयर माना जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, अब वो अगर नहीं है तो टीम में 1% भी डिफरेंस नजर नहीं आया, तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होती है, लड़का आता है वो फील ही नहीं होने देता, इसको कैसे देखते हैं? बैटिंग की आप बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे कोई ज्यादा याद नहीं करते, क्योंकि उसके बाद आप फेस तो देखे ना इंडियन बैटिंग लाइनअप का, करंट सुपरस्टार्स हैं। हम पास में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत का खासतौर पर, और बॉलिंग में तो आप सारों ने एक नई तारीख रकम कर दी है लिटरली। मतलब मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप भारत की कभी भी नहीं देखी, पहले मीडियम पेसर्स थे, स्पिनर्स थे, अब जो है वो स्पिन के डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे स्पिनर होते थे, उनको भी चैलेंज जडेजा कर रहे हैं या कुलदीप कर रहे हैं, लेग स्पिन के इतने ऑप्शन हैं, मगर वो खेलते ही नहीं है, लेग स्पिनर खिलाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सो इससे मजबूत टीम भारत की मुझे नहीं याद आता कि कभी इनकी हिस्ट्री में आई हुई, और बड़े बड़े प्लेयर्स थे, गवास्कर आए उनको बुला दिया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर आए उनको बुला दिया विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। सो एक ये चेन चल रही है, और इसलिए कि बैटिंग की इनकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो लेआउट हुई हुई है। यहाँ पे आजाद मैदान है बॉम्बे में जहाँ पे बच्चे क्रिकेट सीखते हैं, और अगर आप देखें ना कि पूरी इक्विपमेंट पहन के सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव आधा आधा घंटा खेलते हैं जी। सर नीचे 8 साल से 11 साल की उम्र के, सो वो फाउंडेशन ले कर रहे हैं। या अगर आप भारत में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और मतलब है कम से कम 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गद्दाफी स्टेडियम से बेहतर है,
आम यहाँ पे सेंटर्स का, इसलिए कि पैसा डाला गया उस सिस्टम में, जिसकी वजह से ये फिर आगे डेवलपमेंट हुई है। सो नो डाउट रोहित शर्मा ने जितना भी पास में परफॉर्म किया, जब लंबे रन करने आता है तो फिर लंबे रन ही करता है, और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूँ तो ज़्यादा डबल सेंचुरीज इसी की हैं इस वक्त। अगर इंडिया की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इस वक्त अपने कंडीशन के अंदर ये इस वक्त इनको हराना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एंड मेरी नज़र में अगर आप पूछें वर्ल्ड चैंपियंस, देयर इज नो क्वेश्चन इंडिया इज द वर्ल्ड चैंपियन, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, बाकी अब आपका सेमीफाइनल फाइनल रह गया, बट इंडिया कुदरत का निजाम ज्यादा 92 में चला है। हमें अपने हीरोज का नहीं पता कि किसको हीरो बनाना है किसको नहीं, हमारी कौम को नहीं आइडिया। देखिए इंडिया अपने प्लेयर्स जो जेन्युइन प्लेयर होते हैं ना उनको हीरो मानते हैं। मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने किसी और किसी वजह से किसी को, जो एबिलिटी जिस वजह से कोई पहचाना जाना चाहिए वो उससे पहचाना जाता है और उसकी वजह से उनके वो लेगेसी चलती आ रही है, सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर, फिर जो उनके जितने भी प्लेयर राहुल ड्राविड है, लक्ष्मण है, गंगुली है, जो अभी तक आ रहे हैं, अभी सारे जेन्युइन प्लेयर आ रहे होते हैं। ठीक है, एक ये हमारी मेरी कौम का भी कसूर है इसमें। कोविड का टाइम था, शुभमन गिल और चार लड़के पंजाब के, युवराज सिंह के घर रहे 4 महीने, और 4 महीने घर रह के युवराज सिंह ने ट्रेन किया। ही डिड नॉट हैड अ पोस्ट, उसके पास कोई, उसको वो दर्द था कि मुझे पंजाब से कोई लड़का आता हुआ नहीं दिख रहा टीम के अंदर, सो मैं पंजाब के लिए काम करूंगा। एक एक क्रिकेटर ने क्या कभी बेड़ा उठाया? क्या कभी शोएब अख्तर ने सोचा कि मैं अपने बलबूते पे एक कैंप लगाऊंगा फास्ट बॉलर का, मैं निकाल के दूंगा अपने जैसा फास्ट बॉलर? आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई शर्म है वो जो नहीं आ रही किसी को भी नहीं आ रही? इंडिया बता रहा है कि किस वजह से वो नंबर वन टीम है अभी। कमाल प्लेयर है भाई ये केएल राहुल, कितना लेट खेलता है, कितना बॉडी के करीब खेलता है। मैं तो सुना फ्रेंड्स आपने कैसे रमीज राजा, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ भारतीय टीम की तारीफ कर रहे हैं, स्पेशली रमीज राजा जो इन दिनों भारत में है वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने के लिए। जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे तो अपने आप को शहंशाह समझने लग गए थे, क्योंकि उन दिनों उन्होंने भारत के बारे में, बीसीसीआई के बारे में काफ़ी ऐसे बातें की थी कि जैसे पीसीबी बहुत बड़ा बोर्ड है, बहुत पैसा है पीसीबी के पास। लेकिन रमीज राजा को भारत में आकर, भारत को देखकर, भारतीय सिस्टम को देखकर अपनी औकात पता लग चुकी है, तो वो खुद कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। तो आई थिंक वो मुंबई में किसी मैच के दौरान आजाद मैदान गए होंगे, तो वहाँ उन्होंने देखा होगा क्या सिस्टम है। और जो गद्दाफी स्टेडियम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर 35,000 की कैपेसिटी है और बेस्ट स्टेडियम पाकिस्तान का माना जाता है। और रमीज राजा ये कह रहे हैं भारत के जो छोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं 90% गद्दाफी स्टेडियम से अच्छे हैं। तो इसी बात से आप आइडिया लगाइए कि रमीज राजा ने क्या कुछ देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया में, कितना फर्क उनको नजर आया कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट कॉम्प्लेक्स हैं जो उनको अपने नंबर वन स्टेडियम जो पाकिस्तान का है उनसे बेहतर बताया 90% कॉम्प्लेक्स को। तो इस बात से आप खुद आइडिया लगाइए। और एज ए भारतीय होने के नाते हमें प्राउड फील होता है अपने क्रिकेट पर, स्पेशली जो हमारा बोर्ड है बीसीसीआई। हालांकि बीसीसीआई जो है वो भारतीयों के बदौलत है, जो इंडियंस हैं वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं क्रिकेट में, तभी क्रिकेट का जो कहते हैं कि 90% इनकम जनरेट हो रही है दुनिया में वो इंडिया से हो रही है। तो एज ए इंडियन, एज ए भारतीय होने के नाते हमें गर्व महसूस होता है अपनी क्रिकेट टीम पर और अपने क्रिकेट बोर्ड पर। तो उसके बाद आपने देखा शाहिद अफरीदी भी तारीफ कर रहे हैं, और जितने भी आप पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर लोग हैं जो मीडिया में आते हैं वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया भड़क रहा है अपने पूर्व क्रिकेटर्स पर कि जैसे युवराज सिंह ने शुभमन गिल को हेल्प की थी, क्या ऐसा कोई पाकिस्तानी, फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर है जिस बात को समझता है, जैसे शोएब अख्तर का उन्होंने एग्जांपल दिया। तो ऐसी काफ़ी बातें हैं जो इन दोनों पाकिस्तानी मीडिया में हो रही हैं भारत को लेकर, भारतीय क्रिकेट को लेकर। तो आई होप गाइज ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया की मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।